अगर आपके पास एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का कनेक्शन है एंड इसको आपको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए यूज नहीं करना है, मतलब अगर पोस्टपेड कनेक्शन है एंड पोस्टपेड कनेक्शन में आपको पता ही हो क्या होता है कि हर महीने बिल देना होता है, बट अगर बीच में अगर आप इसको एक दो महीने के लिए यूज नहीं करना चाहते हो, मतलब ऐसे ही रख देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बिकॉज पोस्टपेड में आप छोड़ दोगे फिर भी आपका हर महीने बिल आएगा, तो इस पर क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एयरटेल थैंक्स की एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। अब ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहां पे आपको जो है एक्सट्रीम फाइबर पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, मोर पे जाना है एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव कस्टडी का, इस पर आपको यहाँ पे टैप करना है। अब जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा एंड यहाँ पे आपको एक पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है कि नॉट एलिजिबल, दिस कनेक्शन इज नॉट एलिजिबल फॉर सेफ कस्टडी, बिकॉज मेरा सिर्फ 10 Mbps वाला कनेक्शन है, इसमें मेरे को 250 rupees पर मंथ लगते हैं। बट आपका अगर थोड़ा सा महंगा प्लान होगा लाइक यहाँ पे 40 Mbps, 100 Mbps, 150 Mbps, 200 Mbps वाला आपका कनेक्शन होगा, तो उसको आप कैसे यहाँ पे सेफ कस्टडी करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप सेफ कस्टडी का ऑप्शन को इनेबल करोगे तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसको इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे आप इसको इनेबल करोगे, इनेबल करने के टाइम के आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिखाई देगा कि योर रेंटल चार्जिंग विल स्टॉप एंड विल बी चार्ज 200 rupees प्लस GST पर मंथ वाइल यू आर ऑन सेफ कस्टडी। मतलब इससे होता क्या है कि आपका अगर ये मान लो कि 1500 rupees आप पर मंथ दे रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हो सेफ कस्टडी को, तो आपका इंटरनेट उतनी दिन तक नहीं चलेगा जितने देर आप इसको एक्टिवेट करके रखोगे, बट फिर भी हर महीने आपको लगभग लगभग 250 rupees पे करना पड़ेगा। मतलब 1500 rupees तो नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन हर मंथ आपको 250 rupees के आसपास पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कनेक्शन यहाँ पे जो है वो चालू रहेगा, वरना आपका कनेक्शन यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो सेफ कस्टडी से यही होता है कि आपका नेट तो यहाँ पे बंद हो जाएगा, बट फिर भी हर महीने आपको एक रेंटल पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप सेफ कस्टडी को इनेबल कर सकते हो, वरना आप चाहो तो उसको बंद ही रहने दो, ठीक है।